सो हेलो गाइस, आ गया मैं एक नई वीडियो के साथ। तो गाइस, आज मैं बताने वाला हूँ AWM के 2 सीक्रेट ट्रिक्स, जो कि मुझे लगता है बहुत सारे बंदों को पता होगा। 2 के बारे में नहीं, सिर्फ 1 के बारे में, क्योंकि एक बहुत ज़्यादा फेमस और बहुत सारे लोग उसके बारे में जानते हैं और यूज़ भी करते हैं। सो गाइस, आज मैं दूसरी वाली ट्रिक भी बताऊँगा और पहली वाली ट्रिक भी। तो गाइस, पूरी वीडियो को देखना। इस वीडियो में थोड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। जैसे कि जब हम स्नाइपिंग करते हैं तो हमारा क्रॉस हेयर गायब हो जाता है। जैसे कि देखो, अभी ये देखो मेरा क्रॉस हेयर है, ये देखो रेड कलर का। अभी यहाँ पे ब्लू वाले इसलिए रेड कलर दिखा रहे हैं। क्रॉस हेयर के बीच में एक छोटा सा गोल गोल सा आपको दिख रहा होगा, वो पेट का इमोट है। मैंने इसको वहाँ पे इसलिए रखा है ताकि अगर जब मैं स्नाइपिंग करूँ AWM या फिर Kar98 से और मुझे एम करना है तो क्रॉस हेयर गायब हो जाता है। तो गायब हो जाए, मुझे उसको रोकना है कि वो गायब ना हो। तो कैसे रोक सकते? तो मैंने उसकी जगह पे वहाँ पे जहाँ क्रॉस हेयर है उसके पीछे मैंने एक पेट का इमोट लगा दिया। पेट का इमोट इसलिए लगा दिया ताकि अगर मैं स्नैपिंग करूँ तो मेरा एम करेक्ट है, मुझे ये पता चलेगा कि करेक्ट है कि नहीं है, तभी मैं वहाँ पे फायर कर पाऊँगा। फायर तो वैसे भी करूँगा, क्योंकि बोला तुक्का बैठने का कोई फ़ायदा है नहीं। अगर तुम्हें कन्फर्म है कि मेरा एम वहाँ पे, तो बंदा पक्का खलास। तो गाइस, आज मैं जंप हेडशॉट के बारे में बताने वाला हूँ। तो गाइस, पूरी वीडियो देखना और दोनों ट्रिक्स के ऊपर बताने वाला हूँ। जैसे कि सारे यूट्यूबर्स ने बताया है, मैं दूसरी ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे आप AWM से डायरेक्ट हेड मार सकते हैं और जंप करके, और रिलोड भी नहीं होगा। ये टिप्स एंड ट्रिक है। आप अगर एक ही AWM लेंगे, उसमें स्विच करने का कोई दिक्कत नहीं, फायर करो, जंप करो, बस दिक्कत ख़त्म। तो गाइस, मैं वाली टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ। तो चलिए अभी बता दो। तो देखो भाई, क्या भाई ग्रेनेड से मर गया बंदा, ग्रेनेड से मर गया और बुईया हो गया। अब थोड़ा इमोट शो कर लेते भाई, रैंक्ड मैच है, थोड़े बंदे को तो दिखाना ही पड़ेगा ना। और मेरा दोस्त पहले ही नॉकडाउन हो गया था, किल भी हो गया। चलो कोई नहीं, वोया हो गया और क्या चाहिए। तो चलिए मिलते हैं आगे वीडियो में, अबे नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइस, फर्स्ट ट्रिक, टैप फायर एंड स्विच फॉर बोथ AWM एंड Kar98। यह है फर्स्ट ट्रिक। तो गाइस, पहली ट्रिक में ये रहा, पहली ट्रिक में जैसे एक बंदा है, देखो ये फायर स्विच, फायर स्विच, फायर स्विच, होल फायर बटन ऑन कर लेना। और जैसे कि मैंने कहा था, क्रॉस हेयर गायब हो जाता है, देखो गायब रखा है। यहाँ पर सिर्फ पेट का निशान है और मैंने रख रखा है, तो मुझे इसका एम का पता चलता है कि एम सही है या फिर गलत है। देखो ऐसे कर, ये बंदा आया, फायर, एम हुआ, फायर, जैसे ही उसके ऊपर। सो गाइस, आपने देखा जहाँ वो पेट का निशान था वहीं पर एम करके मैं मार रहा था, तो डैमेज पड़ रहा था और बंदा किल हो जा रहा था। तो यहाँ पर मैं वैसे ही प्रैक्टिस करना है, देखो हेड लग रहे ना उसमें, ऐसे प्रैक्टिस करना है, फायर स्विच, फायर स्विच, फायर स्विच। और यहाँ पे 2 AWM लेके मैं करके दिखा रहा हूँ। अभी मैं आपको 1 AWM से भी करके दिखाऊंगी कि 1 AWM से कैसे होता है। अभी 2 AWM से कर रहा हूँ। पहले देखो यहाँ नीचे नीचे करके खेल मारने पे, फिर ऊपर वाले में एम करना, आपका एम अच्छा हो जाएगा। मैं भी ऐसे करके प्रैक्टिस कर रहा था। अब चलो 1 AWM से ट्राई करते, एक हटा देते। ये देखो एक मैंने हटा दिया। अब 1 AWM से कैसे करेंगे, नॉर्मली वैसे ही फायर और मिली बटन से स्विच करेंगे, फायर मिली बटन स्विच, देखा फायर। लेकिन इसमें कभी कभी गलती जाती है, देखो मेरे स्विच ना रिलोड हो गया बीच में ही, ऐसे कभी कभी मिस्टेक हो जाता है। तो गाइस चलिए नेक्स्ट ट्रिक की तरफ चलते हैं। तो गाइस, एरिया हमारी सेकंड ट्रिक, जंप हेडशॉट प्लस नो रिलोड फॉर बोथ AWM एंड Kar98। तो लेट्स बिगिन। तो गाइस देखो, मैं जोन से आ रहा हूँ AWM लेके, एक बंद दिखा, मैं पहला ट्रिक यूज़ करूँ यहाँ पे। ये आया हेडशॉट और स्विच, देखा ये पहला ट्रिक मैंने यूज़ किया। अब यहीं पे मैं दूसरी ट्रिक भी यूज़ करूँगा। अभी बंदा आएगा, जंप हेडशॉट मारूंगा और रिलोड भी नहीं होगा, देखना। ये बंदा आया, ये आया हेड, वो भाग गई। अभी फिर से आएगा, ये आया, चेस्ट पे रखा, जंप हेडशॉट और रिलोड भी नहीं हुआ, देखा। अभी मैं करूँगा मैगजीन रिलोड, हो गया। चलो दोबारा से दिखा दो स्लो मोशन में। देखो वैसे ही, देखो वो बंदा आया, मैं यहाँ पे उसके एम किया चेस्ट पे, ये किया जंप, ये हुआ फायर और ये लगा हेड। देखा गाइस कितना इजी है इसमें हेड मारना। गाइस हमने 2 AWM अभी बाय कर लिए। अब चलो दिखाता हूँ, पहले होल्ड फायर टू स्कोप हमेशा ऑन कर लेना। अभी देखो होल्ड फायर टू स्कोप और जंप और नो रिलोड, देखा रिलोड नहीं हुआ। होल्ड फायर स्कोप, रिलोड नहीं हुआ, होल्ड फायर जंप, रिलोड नहीं हुआ। लेकिन कभी कभी बाय मिस्टेक हो जाता है। तो ये देखो, जैसे कि मान लो ये वही बंदा है, वही ये उसका हेड है और ये नीचे उसका चेस्ट है। तो मैं यहाँ पे ऐसे जंप करूँगा, होल फायर को छोड़ दूँगा और जंप करूँगा, देखो जंप और हेड लगा, देखा और रिलोड भी नहीं हुआ। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे मोमेंट नहीं होता, यहाँ से हमें ना जॉयस्टिक से मोमेंट करते रहना है। देखो हेड लगा ना, लेकिन इस बार देखना, फिर से देखना, वैसे ही कर रहा हूँ, इस बार 300 का लगा।
कभी कभी ऐसा हो जाता है रिलोड हो जाता है, इससे दिक्कत होता है। अभी तो मैं मैगजीन रिलोड कर रहा हूँ, ये देखना अभी देखना ये हुआ फिर से। ये इधर ऐसे प्रैक्टिस करते रहना, आप सीख जाएंगे। देखो इसमें हो रहा है ऐसी एम कर करके, एम करके ऐसे जंप, ऐसी जंप कर करके फायर करना है। ये आया जंप, इसको फायर जंप। अभी थोड़ा रिलोड कर लेते हैं मैगजीन जंप। गाइस ऐसे प्रैक्टिस करते रहना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना और वीडियो शेयर कर देना ताकि सबको पता चले जंप हेडशॉट के बारे में। गाइस प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, मेरे से पहली बार में भी बीच में रिलोड हो जाती थी जंप करके। तो ओके गाइस बाय बाय, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना चैनल।